मैं किस एंगल से चोर लगता हूँ तुम्हें? आपकी तो शक्ल ही जेब पत्रों वाली है। वादा करो कभी आगे से जेब नहीं काटोगे। मैं वादा करता हूँ अब मैं आगे से नहीं बल्कि पीछे से जेब काटूंगा। ना है आपके घर में चोरी हुई है? मुझे तो शक है कहीं ये चोरी किसी ने ना की हो। आपने कुछ कहा पुनीत जी? अरे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं मैंने सुना आपने कुछ कहा। अरे वो तो मैं कह रहा था शर्मा जी आए हैं थोड़ी ग्रीन टी वगैरह कुछ बना लो। अरे ग्रीन टी क्यों? अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता मेहमान को ग्रीन टी पिलाने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो देखो रिच लगते हैं, दूध बच जाता है, बिस्कुट के खर्चे बच जाते हैं, दोबारा कभी चाय मांगेंगे नहीं और हो सकता है दोबारा कभी घर पे भी ना आए। चुप करो ना, आपको शर्मा जी से प्रॉब्लम क्या है? चुप। अरे भाभी जी धीरे धीरे क्या पोसर पोसर कर रहे हो हमें भी बता दो। अरे कुछ नहीं शर्मा जी, जरा फैमिली डिस्कशन कर रहे हैं। अरे अरे जाओ ममता, शर्मा जी के लिए चाय पानी का इंतजाम करो, जाओ जाओ। सुना है जिनी बेटा तुम रात दिन पढ़ाई कर रही थी ताकि मेरी लड़की का रिकॉर्ड तोड़ सको। अरे शर्मा जी की लड़की का कोई रिकॉर्ड तोड़ सका है? तुमसे ना हो पाएगा। So toxic, so negative, just looking like a job. Please stop हो जाओ। कभी लौट कर ना आओ। अरे अरे शर्मा जी आपको नहीं कह रही है आजकल एक नया ट्रेंडिंग वीडियो वायरल कर रहा है उसी की प्रैक्टिस कर रही है हमारी चीनी बिटिया। वैसे भाभी जी मैं ये कहने आया था आप घबराने से कुछ नहीं होगा, आप एक काम करिए पुलिस स्टेशन जाइए और वहाँ पे अपनी कंप्लेंट करिए। अरे नहीं नहीं शर्मा जी हम बेफालतू में ना पुलिस पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, जाने दीजिए छोड़िए, आगे से हम ध्यान रखेंगे कि घर खुला ना रह जाए हमारा। वैसे घर का गेट अभी भी खुला है शर्मा जी। अरे हाँ हाँ मेरी एक ना मीटिंग है मुझे अब जाना होगा। और हाँ भाभी जी आप बुरा मत ना मानना, अगली बार चाय नाश्ता जरूर करके जाऊंगा ठीक है। मेहमानों से ऐसे पेश आते हो ना कितना बुरा लगा होगा। चुप रहो, देखा नहीं अभी वो हमारी बेटी जिन्नी को क्या बोल के गया, इसीलिए मैं उस शर्मा को बिल्कुल पसंद नहीं करता। सही कहा बाबा आपने, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही कही शर्मा जी ने, पुलिस कंप्लेंट। अरे नहीं ये सब लफड़ा मुझे नहीं पड़ना, थाने के चक्कर काटते रह जाएंगे। और मम्मी ऐसे चोरी करे हुए सामान ना कभी वापस नहीं आता, जाने भी दो। अरे छोड़ो ये सब जिनी, एक ही तो बुक चोरी हुई है और बुक से ही पढ़ सकती है, और जब मैं अभी लैपटॉप लेने जाऊंगा तेरी बुक भी नहीं खरीद लाऊंगा। जाओ इतना हमारे लिए खाना बनाओ, बहुत जोरों से भूख लग रही है। किसका फोन था बेटा? कस्टमर केयर मम्मी, सुबह शाम फोन करके अपना प्लान बता देते हैं। चलो ठीक है मैं तो चलती हूँ। हाँ मैं भी चलता हूँ, एक काम करती मैं भी चलती हूँ। कितनी बार बोला है तुझे कॉल मत किया कर, मैं खुद कॉल कर लूंगी। आंटी बोलो। धनी आपको आंटी बुला रही है। ठीक है जा रही हूँ। आखिर धनी क्या छुपा रही थी, किससे बात कर रही थी, मुझे देख के डर क्यों गई?